हम थारो मणिका पावाणी माई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चले कि सरगुजा सांसदीय क्षेत्र समिति CIC क्षेत्र में रेल विस्तार एवं छोटे स्टेशनों की प्रमुख समस्याओं को लेकर सरगुजा माननीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी ने बीते दिनों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक व आला अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर समस्याओं पर चर्चा की है। चर्चा के दौरान उन्होंने CIC क्षेत्र में रेल के क्षेत्र में आ रहे दिक्कतों पर भी उनकी बात सुनी। उन्होंने कोरोना काल से बंद पड़ी यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए पूर्व में लिखे गए पत्रों के आधार पर संचालित किए गए ट्रेनों का स्टॉपेज पहले की भांति रखने के निर्देश दिए। इसमें गाड़ी संख्या 18241, 18242 अंबिका दुर्ग ट्रेन, इनके अलावा गाड़ी संख्या 18755, 18756 अंबिकापुर शहडोल ट्रेन, इनके अलावा गाड़ी संख्या 18233, 34, इनके अलावा गाड़ी संख्या 18257, 58 व अन्य ट्रेन शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने अंबिकापुर, कमलपुर, विश्रामपुर, करंजी, सूरजपुर रोड, कटोरा, बैकुंठपुर रोड, मनेन्द्रगढ़, बिजुरी स्टेशनों के प्लेटफॉर्म में यात्री शेड को बढ़ाने से लेकर पूर्व विद्युतीकरण करने, प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन में कोच की जानकारी के लिए डिजिटल डिस्प्ले, अंक की प्रदर्श, सर्व सुविधा युक्त यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण एवं अति विशिष्ट कक्ष का निर्माण कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। इनके अलावा इसके द्वारा बताया गया कि अंबिकापुर से निजामुद्दीन के बीच में जो ट्रेन शुरू हुई है, अब इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन को भी बदलना चाहिए, जो कि सरगुजा की जनता जब से ये ट्रेन शुरू हुई है तब से मांग कर रही है कि अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन में कोच कंपोजिशन को बदलना चाहिए। इसमें पूरे एयर कंडीशन कोच दिए गए हैं। इस ट्रेन में कोच कंपोजिशन को बदल के इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग के कोच को जोड़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है यात्रियों को अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन के चलने से बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आम आदमी भी इस ट्रेन में आराम से यात्रा कर सकता है। इनके अलावा बताया गया कि दुर्ग अंबिकापुर यात्री ट्रेन के सही समय पर संचालन के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय द्वारा सामूहिक प्रयास छत्तीसगढ़ परिदृश्य के लिए किए जा रहे समग्र विषय की जानकारी महाप्रबंधक श्री आलोक कुमार ने प्रोजेक्टेशन के माध्यम से मंत्री रेणुका सिंह जी को उपलब्ध कराई है और जानकारियां साझा की है। तो कुल मिला के बताया गया कि सरगुजा की जो रेल लाइन परियोजना है, जैसे कि अंबिकापुर बारवाड़ी रेल लाइन परियोजना, रेणुकूट रेल लाइन परियोजना, इन सभी परियोजना पे चर्चा की गई। अगर ये सभी परियोजना को बनाया जाता है तो सरगुजा अंचल में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इनके अलावा अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से मांग की गई कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेन को शुरू किया जाए, जैसे कि अंबिकापुर से नागपुर ट्रेन को शुरू किया जाए, अंबिकापुर से मुंबई ट्रेन को शुरू किया जाए। ऐसा क्षेत्र की जनता के द्वारा कई वर्षों से डिमांड की जा रही है, लेकिन उनकी इस डिमांड को अभी तक भारतीय रेलवे ने नहीं सुना है। अंबिकापुर से नागपुर, अंबिकापुर से मुंबई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है। ये ट्रेन अंबिकापुर से जरूर शुरू होनी चाहिए। इन दोनों ट्रेनों के चलने से अंबिकापुर क्षेत्र के लोगों को भारी राहत मिलेगी आने जाने में। इनके अलावा अंबिकापुर से रीवा और रीवा से अंबिकापुर के बीच में भी एक इंटरसिटी टाइप की ट्रेन भी शुरू होनी चाहिए, ताकि विंध्यवासी सरगुजा वासियों से आपस में जुड़ सकें, व्यापार बढ़ सके। तो फिलहाल देखिए आगे क्या नतीजा निकलता है। जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।